दोस्तों आज मैं आपको वर्ल्ड फेमस गुजराती थेपला बनाने की विधि बताऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए मेथी की जूड़ी। दो मेथी की जूड़ी मैंने ली है, इसको अच्छे से धोकर काट के लिया है मैंने। 3 चम्मच तिल, 3 चम्मच बेसन, 1 बाउल दही। अगर दही खट्टा होगा तो स्वाद और अच्छा आएगा। मसाले में हमें लगेगा नमक, हींग, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। ये मैंने गेहूं का आटा लिया है। आप 3 से 4 कप आटा ले सकते हो। ऑयल और बड़ी सौंफ, हरी मिर्च 8 से 10 और लहसुन। लहसुन को थोड़ा सा मैंने भून लिया है, इसे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अब मैं सबसे पहले बड़ी सौंफ, हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट बना लूंगी। अब गेहूं के आटे में हम बेसन डाल देंगे, तिल, और इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें मेथी डाल देंगे। दोस्तों ज्यादा मेथी डालो तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच, दही मिला देंगे और सूखे मसालों में नमक, दो चम्मच हल्दी और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर से थेपले का कलर बहुत अच्छा आएगा। इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे। अभी सभी मिश्रण को हम अच्छे से मिलाकर आटा लगा लेंगे। हमें याद रखना है पानी पहले से हमें नहीं डालना, क्योंकि दही से हम आटा अच्छे से लगा सकते हैं। अब सब कुछ अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे। पानी हम धीरे धीरे ऐड करेंगे ताकि आटा ढीला ना लगे। अब अच्छे से हम उसको मिक्स करेंगे। हमारा आटा अच्छे से लग गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल मिला के फिर से मिक्स करेंगे। वर्ल्ड फेमस गुजराती थेपले का आटा तैयार है। अब इसको हम 10 मिनट ढककर रख देंगे। हमने तवे को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इस आटे का मीडियम साइज का गोला बना लेंगे। इसको आटे में लगाकर अब हम बेलेंगे। याद रखिए इसको हमें पतला बेलना है। अब इसको हम तवे पर सेक लेंगे। अब तवा गर्म हो चुका है, इसकी आंच हम मीडियम रखेंगे। अब इसको हम पलट लेंगे 1 मिनट बाद। हल्का सा तेल लगा लेंगे, फिर से पलट कर दूसरी तरफ भी हम हल्का सा तेल लगा लेंगे। आप देख सकते हो हमारा थेपला अब तैयार हो गया है।
इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे।